नमस्कार, मैं हूं सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मॉनसून के शुरुआती दिनों के बाद अब बिहार में बारिश की वजह से दिक्कत जो थी वो कम होने लगी थी, क्योंकि शुरुआती दिनों में मॉनसून ने जितना कहर बरसाया था वो कुछ वक्त के लिए थम गया था, मगर अब फिर से पिछले एक हफ्ते में प्रदेश में जिस तरीके से बरसात हो रही है उससे कई इलाकों में वापस दिक्कतें होना शुरू हो गई है। खास तौर पर अगर बिहार की राजधानी पटना की बात की जाए तो गंगा नदी का जो जलस्तर है उसके बढ़ने की वजह से पटना में काफ़ी समस्याएँ हो रही है। जो घाट हैं वहाँ पर जो नदी है अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और तो और अब शंका ये जताई जा रही है, अब ये डर जताया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से प्रदेश में बारिश होती रही और अगर गंगा का पानी इसी तरीके से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द वो नदी से निकलकर शहर की सड़कों पर आने लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। इस वक्त जो है गंगा नदी जो अपने खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही, यानी कि अपने लाल निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। इससे समस्या यही हुई है कि गांधी घाट समेत कई ऐसी अन्य घाट है जहां पर दिक्कतें होना शुरू हो गई है, जहां पानी अब सड़कों के समीप आना शुरू कर चुका है। अब पूरा मामला क्या और कहाँ पर कितना ज़्यादा पानी भरा है अब आपको विस्तार में बता देते हैं। पटना में गंगा अब शहर की ओर बढ़ रही है, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में जलस्तर में 15 सेमी की बढ़ोतरी हुई है। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के मुताबिक सोमवार को शाम 3 बजे दिघा घाट पर जल स्तर 50.86 मीटर, गांधी घाट पर 49.59 मीटर और हाथीदह में 42.65 मीटर मापा गया है, जबकि दिघा घाट पर खतरे का निशान 50.45 मीटर और गांधी घाट पर ये 48.60 मीटर है। इधर हाथीदह में खतरे के निशान से 1.19 मीटर ऊपर गंगा बह रही है। सोमवार को शाम वहां जल स्तर 42.65 मीटर मापा गया था, वहां खतरे का निशान 41.46 मीटर है। हालांकि अभी गंगा का जलस्तर पटना के घाटों पर उच्चतम जलस्तर से नीचे है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार फील्ड विजिट करने के साथ साथ 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया है। सोमवार को बक्सर में गंगा में 1.75 लाख क्यूसेक पानी और बढ़ गया था, वहां देर शाम 8.15 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा था। रविवार की रात वहां 6.40 लाख क्यूसेक पानी ही था। गंगा वाराणसी से फरकक्का तक लाल निशान से ऊपर बह रही है। बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार और फरकक्का में वह खतरे के निशान से लगातार ऊपर है और उसमें जलस्तर में अभी भी बढ़ोतरी हो रही है। अब एक सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि बिहार में उतनी कम बारिश होने के बावजूद अब तक उतनी बारिश भी नहीं हुई है कि लोग घबरा जाए। बिहार की राजधानी पटना में अभी तक उतनी बारिश नहीं देखी गई है, उसके बावजूद गंगा नदी में पानी में इतना उफान क्यों आ गया है, वो लाल निशान से करीब 1 मीटर ऊपर क्यों बह रही है? तो इसका एक जवाब यह है, कारण ये बताया जा रहा है कि आसपास के प्रदेशों में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर झारखंड हो, वहाँ जिस तरीके से बारिश हो रही है और वहाँ की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जहाँ पर अब बारिश की वजह से ज़्यादा पानी भर गया है, वो हर एक नदी बहकर गंगा में मिल जा रही है। और इन सभी नदियों का जो पानी आ रहा है बाकी प्रदेशों की बारिश की वजह से, गंगा में जो पानी आके जुड़ रहा है उसकी वजह से ही गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, और साथ ही साथ अब बिहार में भी बारिश जो है वो होने लगी है, उसकी वजह से भी गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर इस तरीके से गंगा में लाल निशान के ऊपर बहती रहेगी तो प्रदेश के ऊपर खतरा हो सकता है, क्योंकि गंगा का पानी जो है घाट के बजाय अब सड़कों पर देखा जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बारिश के लिए अलर्ट जारी की गई है, क्या गंगा का पानी जो है वो वाकई पटना की सड़कों पर आ जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो प्रशासन उसकी तैयारियां किस तरीके से की गई है ताकि अगर पानी सड़कों पर आ जाए तो लोगों को जान माल का नुकसान ना हो, इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेगी। ऐसी हर अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।